What's up, everyone? I hope all are doing okay. And आप सभी नमस्ते. So if you plan to come to Canada on study visa, so यार अभी आपको पता है rules change होने वाले हैं. Implement नहीं हुआ है. Remember one thing, implement नहीं हुआ है. Immigration Minister ने Mark Miller sir ने उन्हें बोला है कि rules might be changed. उन्होंने provincial government से बात करी है कि वहाँ पे किस तरह के courses की requirement है, किस किस तरह की industry की demands है, jobs की demands है, और आपको किस तरह के लोग चाहिए. तो हम उन्हीं लोगों को जो बच्चे international students आ रहे हैं उन्हीं को वर्क परमिट भी देंगे. पहले होता क्या था कि पहले क्या अभी भी सिनेरियो भी यही है कि अगर आप 2 ईयर्स की स्टडी करते हो आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है, 1 ईयर की स्टडी करते हो आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है, लेकिन अगर 1 ईयर की मास्टर्स करते हो तो आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है. डजंट मैटर मास्टर किसी फील्ड में कर रहे हो, इफ यू डूइंग अ मास्टर्स यू विल गेट अ 3 ईयर्स वर्क परमिट. लेकिन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर सर ने ये मेंशन किया, उन्होंने ये बात करी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि आप आइडेंटिफाई करो किस तरह की जॉब्स वहाँ पे कमी है, किस तरह के लोगों की कमी है. तो जैसे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं हम उनको वर्क परमिट दे, और जिस तरह कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिमांड नहीं है, तो हम उन्हें वर्क परमिट माइट भी नहीं देंगे. रिमेंबर वन थिंग, इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ. आज जून की 18 तारीख है 2024 है. सो इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ. इफ यू आर कमिंग टू कैनेडा ऑन स्टडी वीजा, रिमेंबर वन थिंग, अवॉइड सर्टिफिकेट कोर्स, 1+1 कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, जब 1 ईयर का हो, 2 ईयर्स का हो. या अगर आपको वर्क परमिट चाहिए, मीन्स अगर आपको वर्क परमिट चाहिए आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो या जनवरी इनटेक में आ रहे हो 2025 में, और अगर आपको पीआर चाहिए तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, इंटरनेशनल बिजनेस, सेल्स मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनकी कोई वैल्यू नहीं है. इनकी वैल्यू इंडिया में भी नहीं है, इनकी वैल्यू कनाडा में भी नहीं है. इट्स जस्ट अ पाथवे, इट्स जस्ट अ गेटवे टू गेट इनटू द कनाडा, टू कम इनटू द कनाडा. आपको भी पता है, इमिग्रेशन वालों को भी पता है जिनसे आप फाइल लगाते हो, और वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है. ये कोई इनका पहली बात तो कोई स्कोप नहीं है, ये कोई हेल्प नहीं करता. कोई भी काउंसलर ये बोले कि ये है, ये कोर्स कर लो, उसकी बहुत डिमांड है कनाडा में, घंटा डिमांड नहीं है, बिल्कुल बकवास कोर्स है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है. अगर आपको जाना है और आपको सिंपल सा ईजी कोर्स लेना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, जा सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है. लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर आप जनवरी इनटेक 2025 में फाइल कर रहे हो या उसके बाद फाइल कर रहे हो, माइट बी इट विल अफेक्ट यू. अभी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, माइट बी इट विल अफेक्ट एट दैट टाइम, मीन्स अभी 2-3 महीने में. देखो अगर बोला है ना तो ऑब्वियस सी बात है, इम्प्लीमेंट तो कुछ ना कुछ होगा. अगर आपको कोर्सेस लेने भी है तो कोई भी मास्टर का कोर्स लो, डजंट मैटर, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, कुछ भी लो, या प्रोफेशनल कोर्सेस लो, तो उसकी वैल्यू है, वो आपको हेल्प करेंगे. या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, या स्किल बेस्ड कोर्स हो, ट्रेड से रिलेटेड कोर्स हो, प्लम्बर, मैकेनिक, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इनकी बहुत डिमांड है. एक ना क्वेश्चन होता है आपके माइंड में भी, और जो आपको लोग बताते भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने ग्रेजुएशन करी हुई है और आपने कहा मुझे ना प्लम्बर, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटरी वाले वर्क में जाना है, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है, जो क्वालिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस है, वो इसमें नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसमें एडमिशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे प्रूफ करना पड़ता है जो चीज़ मैंने करी हुई, मुझे उसके अपर लेवल का मुझे कोई कोर्स लेना पड़ेगा, तभी तो मुझे कनाडा वाली गवर्नमेंट और वीज़ा मेरा लगेगा, मीन्स IRCC मुझे वीज़ा इशू करेगा, स्टडी परमिट इशू करेगा. सो इसमें मैं आपको चीज़ कहना चाहूँगा, 6 महीने का या 1 साल का अपनी होम कंट्री के अंदर कोई ऐसा कोर्स कर लो जो ट्रेड से रिलेटेड हो, स्किल बेस से रिलेटेड हो. अगर आप अपने कोर्स करोगे, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तब आप फाइल लगा सकते हो स्टडी वीज़ा का इन्हीं कोर्सेस में, जब आप वहाँ पे डिप्लोमा, 1+1 या सर्टिफिकेट कोर्स आप ले सकते हो. लेकिन अगर आपके माइंड में है कि यार मेरे को ना यही सिंपल सा इजी सा कोर्स लेना है, और मेरा फोकस है पैसे कमाने पे, जो 95% का यही होता है, दैट्स रियलिटी. तो अब मैं क्या करूँ? देखो यार, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, चूज अ राइट, चूज अ प्रोविंस, वेरी लाइक बहुत समझदारी से प्रोविंस को चूज करना, चूज अ राइट प्रोविंस जहाँ पे PR के चांसेस ज़्यादा है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, RNIP कम्युनिटीज़ को चूज करो जो रूरल नॉर्थ इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर आती है. अगर आप वहाँ पे 2 ईयर की स्टडी करते हो, डजंट मैटर कोई भी कोर्स हो, चाहे छुट्टू मुड्डू सा कोर्स भी हो, 2 ईयर की स्टडी करते हो, इट शुड बी 2 ईयर्स कॉन्टिन्यूस एजुकेशन, नो 1+1, नो 1 ईयर फिर वर्क परमिट है, फिर 1 ईयर नहीं, इट शुड बी 2 ईयर्स करते हो. इवन इफ यू हैव अ 0 एक्सपीरियंस, यू कैन फाइल अंडर द RNIP, और RNIP प्रोग्राम पहले टेम्पररी था, परमानेंट है. इट्स वेरी इजी टू गेट अ PR इफ यू स्टडी इन RNIP कम्युनिटीज में. 11 कम्युनिटीज आती है, 5 ओंटारियो में, 1 सस्कैचवन में, 1 अल्बर्टा प्रोविंस में, 1 मैनिटोबा प्रोविंस में, और 2 ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में. बट योर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी शुड बी पब्लिक यूनिवर्सिटी और पब्लिक कॉलेज, इट शुड नॉट बी प्राइवेट. और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अवॉइड प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनमें आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई सिंपल सा कोर्स लेते हो और आपको लगता है कि यार मेरे को यही कोर्स लेना है जो मैंने आपको बताया, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, या ऐसे छोटे मोटे कोर्स लेने हैं,
ज़्यादा मेरा फोकस होगा पढ़ाई पे और पैसे कमाने पे। अगर आप आरएनआई पे कम्युनिटी का नहीं मिलता तो याद चले जाओ यूकॉन प्रोविंस के अंदर। यूकॉन में जाते हो ना, यूनिवर्सिटी ऑफ यूकॉन है, एक ही यूनिवर्सिटी है, पॉपुलेशन पूरे प्रोविंस की 40,000 के इंक्लूडेड है और लाइक करीब है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 2,000-3,000 ऊपर एक्स्ट्रा कम नीचे कर लो। वहाँ पे आप 2 ईयर की स्टडी करते हो, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करते हो, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट इन टू द पीआर। आप वाईएनपी में यूकॉन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर फाइल लगा सकते हो, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट अ पीआर एंड पीएनपी इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द यूकॉन प्रोविंस। आराम से आपको पीआर मिलेगा, आराम से। लाइक 2 ईयर की स्टडी करो, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करो, एलिजिबल हो जाओगे, या 1 ईयर की स्टडी करो, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करो, बट फॉर द सेफर साइड 2 ईयर की स्टडी करना, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करना, एंड विद इन 1 ईयर के अंदर आपके हाथ में पीआर होगा, या 1 ईयर 2-3 मंथ्स के आपके अंदर हाथ के अंदर पीआर होगा, इट्स दैट इजी। या अगर आपको यूकॉन में भी नहीं मिलता तो फिर मूव हो जाओ अटलांटिक प्रोविंस के अंदर। अटलांटिक प्रोविंस में नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड, लैब्राडोर, यहाँ पे 2 ईयर की स्टडी करते हो, 0 एक्सपीरियंस होगा, यू कैन फाइल अंडर द पीएनपी। हर प्रोविंस का अपना पीएनपी होता है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। पीआर 2 तरीके से लगता है, एक होता है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू और एक होता है पीएनपी के थ्रू, पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर लगा के। तो इट्स दैट इजी, 2 ईयर की स्टडी करो, 0 एक्सपीरियंस होगा, यू कैन फाइल अंडर द पीएनपी, आराम से 1-1.5 साल के अंदर आपके हाथ में होगा। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, स्पाउस वीजा, LMIA, तो मैं आपको एक नंबर मेंशन कर रहा हूँ, हिज नेम इज जितेंद्र ग्रोवर। आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपको स्टडी वीजा के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपको अपना कॉलेज चेंज करवाना, आप जब ऑन्टारियो में हो, ब्रिटिश कोलंबिया में हो, या अगर आप अपनी होम कंट्री स्टडी वीजा लगाना चाहते हो, आप इनको व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। नंबर मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ग्लोबलाइज एजुकेशन है, एडमिशन है, एंड ही इज ऑथराइज्ड, सो यू कैन ट्रस्ट हिम। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन डीएम मी। बट एक चीज याद रखना, देखो यार, प्रोविंस सही चूज करना, कोर्स सही चूज करना, और आपको मैं एक चीज बता दूँ, स्किल बेस्ड कोर्सेज की बहुत डिमांड है कनाडा में, बहुत डिमांड है। ट्रेड कोर्सेज की बहुत डिमांड है और वैसे लोग बहुत कम है। तो अगर आप सस्कैचवान मैनिटोबा पे जाना चाहते हो ना, स्किल बेस में ट्रेड में, बिल्कुल जाओ, कोई बुराई नहीं है। इवन ऑन्टारियो, ब्रिटिश कोलंबिया भी जाना चाहते हो तब भी जाओ। लेकिन जो आपको मैंने पहले प्रोविंस के नाम लिए हैं, अटलांटिक प्रोविंस, जो कौन प्रोविंस है, जो आरएनआईपी कमिटीज के अंदर आते हैं, वहाँ पे पीआर के चांसेस बहुत ईजी है। अगर वहाँ पे आप स्टडी करते हो तो, कोई एमई सा भी कोर्स करते हो 2 ईयर्स का, तो भी ईजी है। तो फोकस करना कि स्टडी के साथ पीआर इजिली आपको कहाँ मिलेगा, बिकॉज अभी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। लोग स्टडी वीज़ा पे है, स्पाउस वीज़ा पे है, LMIA पे है, बिजनेस वीज़ा पे, इन्वेस्टमेंट वीज़ा पे, रिफ्यूजी वाले को तो आराम से मिल जाता है। सो मेक श्योर कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, एंड चेक योर CRS स्कोर, एंड चेक योर PNP स्कोर, कि अगर वहाँ पे ये करते हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है। एटलीस्ट अपना एजुकेशन एक्सपीरियंस बना के जाना तो आपके लिए बेटर रहेगा, ईजी रहेगा टू गेट इन टू द कैनेडियन PR एंड द ईजी PR पाथवे, अदरवाइज दिक्कत रहेगी। सो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक पॉइंट और भी है, इफ़ यू आर मैरिड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में हो कि मैं मैरिड हूँ और मुझे ऑन्टारियो ब्रिटिश कोलंबिया में मैं जा रहा हूँ, अब मेरे पास कोई मौका नहीं है चेंज करने का, या मैं वहीं पे जा रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या पाथवे है। अगर आप मैरिड हो तो मैं आपको कहूँगा अपने स्पाउस वीज़ा लगाओ, और मास्टर डिग्री में जाओ स्पाउस वीज़ा लगाओ, या कोई प्रोफेशनल कोर्स लो जिसमें आपको आपके स्पाउस को वीज़ा भी मिले, और उसको या आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसको ऐसे प्रोविंस में भेज दो जहाँ पे पीआर का पाथवे इजी है, लाइक यूकॉन, अटलांटिक प्रोविंस, या कम दैट इज और द कम्युनिटी दैट कम अंडर द RNIP, या लाइक सस्कैचवान के अंदर, या अल्बर्टा के अंदर, या RRS टीम के अंदर। सो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको अलग अलग रहना पड़ेगा, बट इट्स अ टेम्परेरी थिंग। इफ़ यू आर एबल टू डू इट, आई वुड हाईली एडवाइस यू, अगर आप ऑन्टारियो, ब्रिटिश कोलंबिया में, क्यूबेक में हो, तो अपने स्पाउस को वहाँ भेज दो, सो आपके लिए लाइफ ईजी होगी। सो वीडियो को एम्बैंड करता हूँ, आई डोंट थिंक सो आई हैव एनीथिंग टू से मोर, बट अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, सो मेक श्योर ये जो मैंने आपको चीज़ें बोली है, इट विल हेल्प यू अ लॉट, और प्रोविंस को सही चूज करना। बाकी इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, LMIA, तो आप जितेंद्र ग्रोवर सर को बात कर सकते हो, ग्लोबल एजुकेशन में, आप उनको व्हाट्सअप कर लो या उनको कॉल कर लो, व्हाटएवर यू वांट। सो वीडियो को एम्बैंड करता हूँ, तब तक गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।